हेलो एवरीवन वेलकम टू सी सिविल स्टाफ क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो दैट एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू प्रॉपर तरीके से मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है और प्रॉपर तरीके से स्क्रीन आपको विजिबल है प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो देन वी विल स्टार्ट द सेशन ओके 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 डन थैंक यू एंड सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सो हाउ वाज योर ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स किस तरीके के एग्ज़ाम्स रहे हैं आपके बताइए और आई होप कि आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी ठीक है सो so, अभी मैं कामिनी शर्मा आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री तो सी के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक जो हम करेंगे कवर दैट इज़ योर व्हाट सॉलिड स्टेट से ठीक है इजी वाला चैप्टर है और uh, थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर भी है कुछ कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर बहुत आई कैन से कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है अभी तक कोई मैंने टिपिकल क्वेश्चन है सच इस चैप्टर से नहीं देखा है तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास ठीक है हेलो एवरी वन हेलो 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 ठीक है केमिस्ट्री अच्छा गया दैट्स वेरी गुड सो स्टार्ट करें सेशन को फिर चलो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए सी यू टी सिविल स्टैप के चैनल पे आपके लिए फ्री बैच जो है वो अनाउंस किया गया है दैट स्पेशली फॉर सी यू टी अंडर ग्रेजुएट ट्वेंटी को ये जो है वो टारगेट करेगा जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी एंड दियर आर सम फीचर्स दैट यू गेट क्लास नोट्स एंड एम जो कि आपके पी फॉर्म में रहेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पे आपके पास चीज available रहेंगे इसके बाद हिंदी इंग्लिश भी आपके पास रहेगा एंड देन यू हैव मेडिकल नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स जीटी एंड उसके बाद ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे ठीक है <laughs> हाँ जी हम ना नॉर्मल चलेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में और सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट uh, करवा दिया जाएगा तो जितने भी टॉपिक्स हैं क्रैश कोर्स के हिसाब से हम सबको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे क्लियर चलो चलते हैं फिर सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे सॉलिड स्टेट तो आज की इस क्लास में जो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कंटेंट आपके पास किस किस तरीके का है ठीक है सॉलिड स्टेट वॉज इन रिड्यूस लेबर सो हाउ कैन वी हाँ ये थोड़ा सा वो था कि uh, मतलब ये yes, रिड्यूस कर दिया गया था बट ट्रस्ट में दिस इज वेरी क्यूट सा ये चैप्टर है आपका जल्दी हो जाता है सो so ट्राई करना कि आप यहाँ पे चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं मैं भी प्रॉपर ट्राई करूंगी कि आपको प्रॉपर जो uh, हमारे पास टॉपिक्स रहते हैं कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको साथ में बता दूंगी क्लियर सबसे पहले बात करते हैं कि कंटेंट यहाँ पे किस तरीके का है तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट कैसे हैं ठीक है क्या क्या इसके आगे टाइप्स रहते हैं इसी के साथ आपका रहेगा क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल्स के बारे में

तो उसका जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल सीयू टी सिविल स्टेप पे जो है वो आपको पीडीएफ अवेलेबल रहेगी ठीक है चलो सब मिलेगा सब मिलेगा अभी पहले पढ़ाई कर लो फिर उसके बाद आगे चलते हैं ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यू हैव सॉलिड स्टेट देखो सॉलिड स्टेट का मतलब <coughs> मतलब क्या है सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ जब ना हम छोटी क्लासेस में होते थे तो हम वहाँ पे क्या चीज़ स्टडी करते थे दैट वी हैव द सॉलिड लिक्विड एंड गैस ठीक है उसके बाद फिर हमने देखा कि दो स्टेट्स और डिस्कवर हुई दैट इज योर प्लाज्मा एंड द बो साइंसटाइन कंडेंसेशन आपके पास रहा ठीक है तो जब हमने इन सभी चीज़ों को स्टडी कर लिया तो हमने देखा कि हम ना आप स्पेसिफिकली सिर्फ सॉलिड स्टेट को ही स्टडी करेंगे और अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूँ तो आपके पास उसके क्या क्या फीचर्स रहते हैं कि सॉलिड स्टेट में जो है वो आपको हार्डनेस देखने को मिलती है जो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है यहाँ पे जो है वो स्पेस बहुत ही कम देखने को मिलता है वाइब्रेशनल मोशंस यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं सो इस तरीके से आई कैन से दैट व्हाट इज़ सॉलिड स्टेट सो यू कैन से कि सॉलिड स्टेट आपके पास क्या है जिसमें एक पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप है उसका जो है फिक्स्ड एक वॉल्यूम है साथ में वो आपको रिजिड कठोर देखने को मिलेगा डेंसिटी घनत्व जिसका बहुत ज़्यादा रहेगा आप उस चीज़ को कंप्रेस जो है वो नहीं कर सकते हैं ठीक है ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी नहीं रहती है कम कंप्रेसिबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिलती है इसके बाद वहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है स्लो डिफ्यूजन एंड इसी के साथ हार्ड नेचर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है क्लियर सो so ये सब चीज़ें आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेंगी एंड पर्टिकुलर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पर आप किसी भी एटम को किसी भी आयन को और किसी भी मॉलिक्यूल को एक सिस्टम के अंदर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं जैसे कि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो एक दूसरे से इस तरीके से टच करते हुए आपको देखने को मिलते हैं इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट जो है वो कहते हैं ठीक है स्लो डिफ्यूजन क्या होता है ये सब चीजें स्टडी करेंगे देखो डिफ्यूजन क्या होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड में किसी भी जैसे इंक को डाल रहे हो आप पानी में इंक को डाल रहे हो तो क्या होता है वो धीरे धीरे खुद ब खुद घुलनशील होना शुरू हो जाती है दैट इज एज डिफ्यूजन लेकिन सॉलिड्स के केस में क्या होता है इतनी जल्दी डिफ्यूजन नहीं होती है वहां पर एब्जॉर्प्शन वाला क्राइटेरिया आ जाता है सो दैट इज वाई यहाँ पे स्लो जो है डिफ्यूजन रहती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करूं दैट मीन्स कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रेक्शन बहुत ज्यादा है दैट्स वाई इनको ब्रेक डाउन

ठीक है सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं जहां पे आपको एक अच्छी डेफिनेट करेक्टिक ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो देखने को मिलती है एक फिक्स्ड शेप रहती है एक फिक्स्ड वॉल्यूम आपके पास रहता है और इसी के साथ जैसे इन्होंने सॉलिड में और क्या लिखा है कि दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसमें कोई भी इरेग्युलरिटी आपके पास प्रेजेंट नहीं होती है बिल्कुल एकदम से स्टीक शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इसके बाद जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट इज योर क्लीवेज प्रॉपर्टी इसका मतलब ये है कि जैसे आपने शुगर के ब्लॉक्स देखे होंगे ठीक है सभी के घर में चीनी रहती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने चीनी के टुकड़े को बीट से कट किया तो ऐसा तो नहीं है कि वो डिफरेंट इररेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने उस चीनी के ब्लॉक को एकदम से कट किया तो वहां से फिर से क्यूब की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी सो वी कैन से दैट कि जब जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हो तो वहां पे आपके पास क्या होता है जो नया क्यूब बनता है उसकी भी शार्प एजेस आपको देखने को मिलती हैं ठीक है इसी के साथ है हीट ऑफ फ्यूजन दैट मींस कि जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फ्यूज करते हो कि आपको उसको लिक्विड स्टेट में लेके जाना है या आपको उसको गैशियस स्टेट्स में लेके जाना है तब भी वहां पे एक शार्प वैल्यू आपको देखने को मिलेगी ऐसा नहीं रहेगा वहां पे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी डन इसी के साथी अनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती हैं डिफरेंट डायरेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है नेक्स्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उन्हें आप क्या कहते हैं ट्रू सॉलिड्स क्योंकि ये बिल्कुल प्योर होते हैं इसमें कोई भी इरेगुलरिटी जो है वो आपको नहीं देखने को मिलती है एंड साथ में यू कैन से कि ये आपके पास क्या है लॉन्ग रेंज फोर्सेज जो है वो इनमें एग्जिस्ट करती हैं अब इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे अरेंज होगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है कि असर्शन और रीजन वाला भी हमें यहां पे देखने इरेग्यूलर स्ट्रक्चर ठीक है बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का आपको कैसा भी देखने को मिल सकता है और इसके बाद इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगा जब आप किसी भी अमोरफ सॉलिड को मान लो कि अगर आप इसे बीच से कट कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास शार्प एजेस नहीं आएंगी ठीक है उसके बाद पे हीट ऑफ़ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होता है, इवन आपको इरेग्यूलर देखने को मिलता है कभी वैल्यू इंक्रीज होती है कभी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है ठीक है इसी के साथ है आपके पास आइसोट्रॉपिक मतलब हमारे पास क्या होता है आइसो मीन सेम ठीक है जहाँ पे आपको एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं दैट इज़ नॉन एज द आइसोट्रॉपिक एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्हें आप क्या कहते हो सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स के नाम से इनको जाना जाता है और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं जैसे कि अमॉर्फ सॉलिड में आपने ग्लास को देखा होगा तो जैसे खिड़कियों में जब शीशा लगा होता है तो सर्दियों में क्या होता है वो शीशा जो है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसकी वजह से वुडन ब्लॉक ठीक हो जाता है और सर्दियों में दरवाज़ा बंद करना

क्वेश्चन हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर जो है वो देखने को मिलेगा डन इसी के साथ चलती हूँ मैं थोड़ा सा आगे जहां पे मैं आपको ये बताऊंगी कि देखो एनआसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हो सकता है इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अगर मैं आइसोट्रॉपिक की बात करू तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आइसो का मतलब क्या होता है सेम तो इसमें क्या होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हर किसी की डायरेक्शन में चाहे कोई भी डायरेक्शन आप ले रहे हो वहां पर क्या होगा आपके पास जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज जो हैं वो देखने को मिलेंगी ठीक है नी पुट स्टार ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक हाँ जी जरूर नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कर दूंगी बट ये ना आप साथ, साथ में खुद से भी नोट डाउन कर लो कि कौन से टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ठीक है चलो मॉर्फिस की मैंने जैसे मैंने आइसोट्रॉपिक की बात करी तो यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज़ा सेम इन ऑल डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्लास है तो ग्लास की क्या होगी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी डायमंड हर जगह से चमकता हुआ देखने को मिलेगा मेटल हो गया तो अगर मेटल में लश्र है या फिर वो स्ट्रॉन्ग है तो वह हर किसी तरीके से होगा ऐसा तो नहीं है कि मेटल अगर यहां से शाइन कर रहा है तो यहां से शाइन नहीं करेगा तो आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि सेम प्रॉपर्टीज है जो भी उस पर्टिकुलर सिस्टम की वो आपको

जो है वो आपकी नेक्स्ट डायरेक्शन देखने को मिलेगी, जबकि आइसोट्रॉपी में अगर एक साइड मान लो कि मेटालिक लश्र है तो दूसरी साइड भी आपको मेटालिक लश्र ही देखने को मिलेगा ठीक है सो so ये रहेगा आपके पास एंड एंडसोट्रोपिक नेचर इसी के साथ अब चलेंगे नेक्स्ट की तरफ तो कुछ ना यूजेस थे यहाँ पे एमोरफ सॉलिड के इनको एक बार आप चेक कर लो कि यहाँ पे क्या क्या बोला गया है तो डेली लाइफ में ना हमारे पास बहुत सारे यूजेस रहते हैं एमोरफ सॉलिड के लाइक जैसे कि आप इसका यूज ग्लास में कर सकते हो रबर में कर सकते हो प्लास्टिक में कर सकते हो इसके बाद जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज आपको देखने को मिलेगा या जहाँ से आपका क्वेश्चन अराइज होगा वहाँ पे आपके पास क्या होता है ग्लास ग्लास के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है तो वहां पे हो सकता है ठीक है इसके बाद इसका यूज़ेस जो है जैसे कि मैंने कहा कि इनऑर्गेनिक ग्लासेस बनाने में जैसे कि आपने लैब्स में देखा होगा कि हम बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करते हैं तो वहां पे एमोर्फो सॉलिड का यूज किया जाता है नाउ दिस वन इज इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो आपके पास अमॉर्फस सिलीकॉन रहती है इट इज़ द बेस्ट फोटोवेल्टिक मटेरियल जो है वो आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट वन इज योर रबड़ और इसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनका यूज आपको देखने को मिलता है तो इन शॉर्ट आई कैन से कि जो क्वेश्चन आएगा वो यूज़ कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं सबसे पहला यूज़ है ग्लास की फॉर्म में और सेकेंड यूज़ आपका रहेगा किसकी फॉर्म में अमोरफस सिलीकॉन के यूज़ में जो कि फोटोवाल्टिक सेल्स बनाने में यूज़ किया जाता है ठीक है, है? So, इस तरीके से आप यहां पे इन चीजों को देख सकते हैं आप देखो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि आ, हिंदी में पढ़ाओ तो आई थिंक आई कैन टॉक इन और मैं नॉर्मल लैंग्वेज में ही बात कर रही हूं एज सच कोई प्योर इंग्लिश यहां पे नहीं बोली जा रही है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ है नाउ दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जो लास्ट क्वेश्चन आया था आपके पास पीवीएस में वो आपका क्वेश्चन जो है वो यहीं से आ रखा था तो देखो क्वेश्चन ये था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो हैं वो आपको किस किस तरीके से देखने को मिलते हैं तो आई कैन से कि सॉलिड जो हैं वो आपको चार प्रकार के देखने को मिलते हैं कौन कौन से हैं फर्स्ट इज योर मॉलिक्यूलर देन इज योर कोवलेंट आयोनिक एंड नेक्स्ट वन इज मेटेलिक क्लियर और इसी के साथ मैं ये कहूंगी कि जो आपके पास मॉलिक्यूलर है मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होंगे जैसे मान लो यू हैव ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड तो ये क्या है आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा अब क्वेश्चन जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल पे आया था तो हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन जो है वो आपके पास फोर्सेस से आ जाए सो ऑलवेज रिमेंबर की मॉलिक्यूलर में कौन कौन सी रहती है लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जैसे कि अगर

दैट इज वाई देआर नॉन एज वॉट लंडन डिस्पर्ज फोर्सेज या डायपोल डाइपोल फोर्सेज उन्हें कहा जाएगा और सेम थिंग आपको कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मौल, में देखने को मिलेगी इसी के साथ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आपके पास जो मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं वो सॉफ्ट रहते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉडरेट टू हाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इनकी क्वेश्चन जो है होगा वो यहाँ से होगा कि इनकी पुअर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी एग्जाम्पल्स की बात करूँ सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स अब देखो आर्गन का मॉलिक्यूल है ठीक है सो so ये क्या रहेगा आपके पास दिस इज योर मॉलिक्यूलर इसके बाद मिथेन हो गया सुक्रोज हो गया ड्राई आइस हो गया तो श्योर है कि ड्राई आइस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है क्लियर इसी के साथ कोवलेंट नेटवर्क की बात करूं तो आपने कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा ही है जब आप शेयरिंग पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करते हो तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और कोवलेंट बॉन्ड कहीं ना कहीं आपके पास क्या होता है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग इन नेचर जो है वो देखने को मिलता है ठीक है इसके बाद इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है और प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो हार्ड रहते हैं इनको तोड़ना आपके लिए क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे रहेगा पुअर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगी अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डायमंड में किस तरीके की बॉन्डिंग रहती है कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है क्वैड्स और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्योंकि क्वैड आपके पास क्या होता है दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नॉन एज द क्या बोलते हैं उसको दैट इज क्वैड्स ठीक है और आपको पता है कि ग्लास बनाने में किसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिलिका का यूज किया जाता है इसके बाद आपके पास जितने भी सैंड होते हैं उसमें भी क्या होता है आपके पास सिलिका जो है वो प्रेजेंट रहता है इसी के साथ मैं बात करूंगी आयोनिक बॉन्ड की जहां पे आपको बहुत अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलती है ठीक है और क्यों देखने को मिलती है क्योंकि यहां पे आपके पास और प्रेजेंट होते हैं उस वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन होती है दैट इज वाई इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन वहां से रहेंगी ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है लेकिन जैसे ही थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करोगे ये आसानी से टूट जाएंगे और इसी के साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलता है पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रहेगी लेकिन जब फर्दर आयोनिक सॉलिड्स को मोल्टन स्टेट में या फ्यूज स्टेट में आप लेके जाते हो सो देन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे आपके पास क्या होता है एक जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको वहां पे देखने को मिलती है क्लियर है और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ एग्जांपल्स की तो यहाँ पे आपके पास एन और कैल्शियम नाइट्रेट फॉर एग्जांपल एन पॉजिटिव सीएल नेगेटिव हो गया सी टू पॉजिटिव एनोजी टू नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे आपको क्या होगा एग्जांपल्स जो है वो देखने को मिलेंगे और आयनिक सॉलिड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इसके बाद है आपके पास मेटल तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप किसी भी मेटल मेटल में बॉन्ड बनाते हो या फिर यहाँ पे कोई भी दो एटम्स आपस आप में मिलके बॉन्ड्स बना रहे हैं दैट इज नॉन एज द मेटालिक बॉन्डिंग ठीक है और यहाँ पे ये यह कैसे रहते हैं सॉफ्ट हैं और ज्यादा हार्ड नहीं देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ये यह याद रखना है कि इनकी एक्सीलेंट थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है क्यों क्योंकि हमें पता है कि जो आपके पास मेटल्स हैं वो क्या रहते हैं ओके Uh, मैं थोड़ा स्लो करती हूँ मेटल्स जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं बहुत अच्छे यू कैन से कि उनमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास पास हो जाती है तो बात है तो तो बात कि जब मेटल मेटल बॉन्ड्स बनाएंगे तो आपके वहां पे क्या होगा एक अच्छी खासी आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देखने को मिलेगी ठीक है अगर इनकेस पिक्चर क्लियर नहीं है डोंट वरी यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन द नोट्स वहां पर ज्यादा अच्छे से चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन करके दी गई हैं क्लियर चलो एग्जाम्पल देखते हैं मेटालिक एलिमेंट्स में जैसे कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है प्रियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं जब वो आपस में बॉन्ड्स बनाएंगे तो वहां पे आपके पास क्या होगा दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिलेगी ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं योर योर नेक्स्ट टॉपिक इज इज दैट क्रिस्टल क्रिस्टल जो है वो आपको किस तरीके का देखने को मिलता है हम सबसे पहले ये बात करेंगे तो हम सभी ने ना एक क्यूब को जरूर देखा होता है क्यूब हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कहीं कही ना कहीं देखी है या इसके बारे में हम अपनी बहुत छोटी क्लासेस से भी पढ़ के आ रहे हैं तो जैसे मान लो यू हैव द क्यूब और इस क्यूब के कॉर्नर्स पे क्या है बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके पास प्रेजेंट हैं लाइक दिस ठीक है इस तरीके से एंड यू कैन से दैट कि यहाँ पे जो भी आपके पास ये यूनिट सेल हैं ये आपके पास 3D स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं ठीक है और जब ये यूनिट सेल आपस में दो या तीन यूनिट सेल मिलके एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टल लैटिस के नाम से उसे जाना जाता है

जाना जाता है 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 और सेम चीज़ यहीं पे पे लिखी गई कि व्हेन यू रिपीट द यूनिट सेल वन बाय अगेन वन अगेन ओवर ओवर एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन तो आपके पास वहाँ पे क्या होता है? क्रिस्टल की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है? You, uh, कि क्रिस्टल लेटिस है? तो है। है बनते हैं ठीक है अब जो है यहाँ से द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास अराइज होता है कि हमारे पास टोटल जो है सेवन यूनिट सेल आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं दैट इज क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहेड्रल हेक्सगनल मोनोक्निक एंड द ट्राई क्लियर और इसी के साथ अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो ये आपके पास कैसा होता है मोस्ट सिमेट्रिकल इन नेचर आपको देखने को मिलता है श्योर है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ट्राई क्लिनिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल इन नेचर जो है वो ये आपको देखने को मिलेगा ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जब हमने ये पढ़ा कि आपके पास क्या था एक यूनिट सेल था जहां पे प्रॉपर कॉर्नर्स पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट रह रहे थे तो उसी के साथ क्या हुआ कि जब यहाँ पे इन एज लेंथ को या फिर इनके एंगल्स को एंगल कौन कौन से रहते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा और एज लेंथ कैसे रहती है ए बी और सी से उसको डिस्क्राइब किया जाता है

क्लियर इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेट्रागोनल की तो यहाँ पे एज इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी है और यहाँ पे सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो सेम रहते हैं एग्जाम्पल्स आपके सामने दिया गया है जैसे कि पोटेशियम हो गया प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड हो गया सो इस तरीके का क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन आएगा मान लो कि उन्होंने क्वेश्चन दिया गया और चार वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पे उन्होंने सिंपल ये चार ऑप्शन दे दिए मान लो उठाकर क्वेश्चन में पूछा होगा बताइए इनमें से ऑर्थोरोम्बिक का कौन सा एजलेंथ वाला सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा ठीक है सो so, ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपके लिए अराइज होगा नेक्स्ट चलती हूँ एक बार जो है वो स्ट्रक्चर्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं तो जे, देखो जे, देखो जैसे मैंने ट्राई क्लिनिक में क्या कहा था ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी रहेगा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री रहेगा सो दिस इज द स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी लाइन जो है वो यहाँ पे सेम नहीं है इसी के साथ अगर बात करूँ क्यूबिक की तो ऑल द डायरेक्शन आर सेम ए इज इक्वल्स टू ए टू ए थ्री एंड ऑल एंगल आर ऑफ द नाइनटी डिग्री तो एक बहुत ही स्मिटरी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी डन सो दिस इज ऑल अबाउट अब ना कभी कभी क्वेश्चन जो है वो मोनोक्लिनिक से भी आ जाता है तो मोनोक्लिनिक में आपको क्या याद रखना है कि एज लेंथ तो कोई भी आपस में जो है वो सेम नहीं है और साथ में जो इनके बीच का एंगल है तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा जो है वो तो कहीं ना कहीं सेम रह जाएंगे लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो गामा है वो आपके पास वन डिग्री के आसपास देखने को मिले ठीक है, so, इस तरीके से आपके पास कितने crystal lattice रहते हैं? सेवन क्रिस्टल लेटिस आपको देखने को मिलते हैं कौन सा सबसे ज्यादा था क्यूबिक कौन सा सबसे ज्यादा अनस्मेट्रिकल था दैट इज वॉट इट इज योर ट्राई क्लिनिक तो यहां से क्वेश्चन अराइज होगा इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो सबसे पहले हमने सॉलिड्स पढ़ा वहाँ पे हमने जो है वो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देख लिए उसके बाद यूनिट सेल देखा यूनिट सेल में कितने क्रिस्टल लेटिस होते हैं वो देख लिए अब हम बात करेंगे कि जो यूनिट सेल है वो आपके पास जो है कितने प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं सो देर आर टू टाइप्स दैट इज वॉट इट इज योर प्रिमेटिव एंड द कन्वेंशनल बोल लो या फिर आप इसे क्या कह सकते हो नॉन प्रिमेटिव भी इसे कहा जाता है ठीक है अब जैसे मैं प्रिमेटिव की बात करती हूँ तो प्रिमेटिव में क्या होता है कि आपके पास जो भी यूनिट सेल है यहाँ पे जितने भी एटम्स और मोलिक्यूल सब्सटीट्यूट होंगे वो कहां पे होंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ही देखने को मिलेंगे तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एटम्स और आइंस सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज नॉन एज द प्रिमेटिव यूनिट सेल लाइक दिस और अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जैसे मान लो कि ये एक क्यूब है और यहाँ पे आपके पास क्या है कि एटम्स जो हैं और मॉलिक्यूल्स आयंस जो हैं वो कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट हैं ही हैं लेकिन वो साथ में कहीं और भी प्रेजेंट है लाइक मान लो कि वो सेंटर में प्रेजेंट है या फिर वो फेसेस के बीच में प्रेजेंट है तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो इसे कहा जाता है ठीक है, so, इस तरीके से आपको यहां पे चीजें जो है, वो देखने को मिलेगी इज योर प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड अनदर वन इज वॉट दैट इज यिटिव यूनिट सेल जो है वो इसे कहा जाता है एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकता है ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल के बारे में तो नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल में मैंने क्या बोला था कि जो आपके पास एटम्स मॉलिक्यूल्स और आइन्स हैं वो आपके पास कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे साथ में जो है वो अदर पोजीशंस भी वहां पे ऑक्यूपाई की जाएंगी अब अगर सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपके पास एक टर्म यहाँ पे दी गई है फर्स्ट टर्म दैट इज योर फेस सेंटर्ड है बॉडी सेंटेड और एंड सेंटर्ड है आप देखो कॉर्नर्स पे जो है वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं Like this. अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसके बारे में बी के बारे में बी की फुल फॉर्म क्या होती है दैट इज बॉडीज क्यूपिक सेंटर बॉडी का मतलब क्या है कि कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट है ही है साथ में एक एटम मॉलिक्यूल और आयन जो है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होगा पूरे सिस्टम के सेंटर में जिसे बॉडी क्यूबिक सेंटर जो है वो कहा जाता है ठीक है और अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर तो चीज़ें हैं ही हैं लेकिन साथ में जो है वो फेस के ऊपर भी प्रेजेंट है तो कितने फेस होते हैं एक क्यूब में दैट इज सिक्स फेसेस आपको यहां पे देखने को मिलते हैं सो चेक वन टू थ्री फोर एक जो है वो यहाँ पे आगे की तरफ आएगा और ठीक इसके पीछे क्योंकि थ्री डायमेंशनल बॉक्स में देखेंगे तो ठीक इसके पीछे जो है वो हमें सिक्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे FCC में यू कैन से कि आपको faces के ऊपर जो है वो अनदर वन भी देखने को मिलेंगे इसी तरीके से अगर मैं एंड सेंटर्ड की बात करूं तो एंड सेंटर्ड में आपके पास क्या होगा आपके पास कॉर्नर्स पे तो चीजें प्रेजेंट रहेंगी रहेंगी साथ में यहाँ पे एंड पॉइंट्स पर भी आपको जो है कोई कोई मॉलिक्यूल या एटम जो है वो देखने को मिलेगा फेस इज मिडल एंड नॉट एनीयर देखो इनकन्वेंशनल द पॉइंट इज ऑनली प्रेजेंट इन द सेंटर एंड ऑन द फेस इज इन द मिडल नेट नॉट एट एनीवेयर देखो कन्वेंशनल जो है वो टिपिकल रहता है आपके पास टू टाइप्स के रहते हैं दैट इज वन इज योर प्रिमेटिव एंड अनदर वन इज योर नॉन प्रिमेटिव तो प्रिमेटिव क्या होता है एक सिस्टम रहता है जो सिस्टमेटिक है मतलब कि जहाँ पे चीजें सिर्फ कॉर्नर्स में हैं लेकिन जहाँ पे डिस्ट्रॉक्शन आ जाएगा दैट इज नॉन एज योर नॉन कन्वेंशनल उसको जो है हम क्या कहते हैं नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल जो है वो उसे कहा जाता है

क्या है यहाँ पे एट एट जो है वो आपको एटम्स देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर लो कि टोटल कितने एटम्स हैं एट एटम्स हैं और हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी वन बाई एट आपको देखने को मिलेगी सो so, इस केस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है वो कितना रहता है आपके पास वन देखने को मिलता है इसी तरीके से बी की बात करूँ तो सबसे पहले आप देखोगे इन आठ कॉर्नर जो ये आपके पास है तो यहाँ पे एट एटम्स हैं हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है by eight, तो यहां पे तो काम हो गया पहला कि वन जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल देखने को मिलेंगे लेकिन यहाँ पे सेंटर में भी आपके पास एक एटम प्रेजेंट है जिसकी वजह से यू कैन से कि बीसीसी में एक आपके पास और आएगा वन क्योंकि वो सेंटर में प्रेजेंट है तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा टू हो जाएगा इसी तरीके से फेस एंटेड की बात करूँ तो सबसे पहले तो वही है कि हर एक कॉर्नर के ऊपर एक, एक एटम प्रेजेंट है तो आठ कॉर्नर है हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाई एट होगी तो वन हो गया इसके बाद देखेंगे फेसेस के ऊपर तो फेस आपके पास कितने रहते हैं यहाँ पे? एक क्यूब में फेस होते हैं इसी के साथ हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी रहती है वन बाई थ्री तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टू जो है वो आपको देखने को सॉरी यहाँ पे टू हो जाएगा टू प्लस वन कितना हो जाएगा एफ में थ्री नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्लियर है सो so, यहाँ से डेफिनेटली श्योर sure है कि आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एराइज हो सकता है और इसी चीज का यूज जो है वो आगे आप न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए भी करेंगे डन चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर टेबल लगाया गया है कि जो आपके पास सिंपल क्यूबिक है, what, per, पर रहता है में दो हो गया, वो चेक कर लेना यहाँ पे फोर रहेगा समझ में आएगा ना ये क्योंकि एट इंटू वन जो है वो वन है उसके बाद आपके पास छह फेसिस है और वन बाई कितना हो जाएगा थ्री तो थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा क्लियर इसी के साथ आपके पास यहाँ पे ना कुछ फॉर्मूलाज हैं ठीक है कुछ फॉर्मूले ही आपके पास जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा जैसे अगर मैं बात करूँ सो दिस वन इज योर फॉर डिस्टेंस कि डिस्टेंस कितना फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे आपके पास रहेगा रेडियस ठीक है अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ मान लो एफ सी सी के बारे में तो एफ सी सी के केस में जब आप डिस्टेंस को मेजर करोगे तो वहां पे डायरेक्ट आपका यूज किया जाएगा एक टर्म दैट इज ए जिसे आप एज लेंथ के नाम से भी जानते हैं और एक आपके पास रहेगा रेडियस तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे ए डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा वहां पे क्लियर और इसी तरीके से मान लो कि अगर आपके पास क्या है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो वहां पे आपके पास हो जाएगा अंडर रूट थ्री बाई टू ए और यहाँ पे हो जाएगा

ठीक है वहां पे क्या होता है डायरेक्ट आपके पास जो है वो आपको फार्मूलाज यूज करने होते हैं तो केमिस्ट्री में बच्चे जब नोमेरिकल अटेम्प नहीं कर पाते तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है दैट यू डोंट नो अबाउट द फॉर्मूला कि आपको फॉर्मूला ही वहां पर याद नहीं रहता है सो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आपको ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो याद होने चाहिए बॉडी सेंटर फेस सेंटर फेस सेंटर की बात करूँ सो दैट इज योर ए बाई रूट या फिर ए बाई टू रूट जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा क्लियर सो यहाँ पे हर एक फॉर्मूला आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है इसी के साथ आगे चलेंगे नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर वॉट दैट इज वाइड की अगर मैं बात करूं तो वाइड का मतलब आपके पास क्या रहता है दैट इज द एम्प्टी स्पेस तो जब भी आप किसी भी क्रिस्टल लेटिस की फॉर्मेशन कर रहे हैं और उस क्रिस्टल लेटिस में जब आप बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स और आइन्स को एक साथ रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है बीच में ना आपको थोड़ा सा एम्टी स्पेस दिखाई देता है जैसे कि अगर मैं बात करूं मान लो आपके पास जो है वो इस तरीके का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है तीन एटम्स है एक ठीक इसके पीछे भी रहेगा तो आपके पास यहाँ पे क्या है ये एम्प्टी स्पेस अराइज हो रहा है एंड दिस वन इज नॉन एज योर वाइड ठीक है अभी जैसे मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो आपके पास क्या था दिस वन इज योर फर्स्ट नेक्स्ट वन इज योर ये सेकेंड आ गया उसके बाद जो है ये आपका थर्ड आ गया एक जो है वो ठीक इसके पीछे होगा उसको मैंने इस तरीके से लगा दिया है नाउ दिस एम स्पेस इज नॉन एज द टेट्रा हेड्रल क्योंकि टेट्रा हेड्रल में हमारे पास कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं फोर एटम्स मॉलिक्यूल्स या यूनिट सेल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे सो यू कैन से दैट कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है ट्राइंगुलर वर्ड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है और इसी तरीके से अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो वहां पे आपके पास क्या होते हैं तीन मॉलिक्यूल्स इस तरीके से तीन मॉलिक्यूल ठीक इसके पीछे होंगे और यहाँ पे ना एक स्टार सा बनेगा आपके पास और उसे क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल होल या फिर ऑक्टा वॉइड के नाम से उसे जाना जाता है ठीक है सो दिस वन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर एंड आई कैन से दैट की हमारे पास कोई भी सिस्टम है और हमें क्वेश्चन आता है कि बताओ इसमें कितने जो है आपके पास ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स देखने को मिलते हैं उन्होंने बोल दिया कि आपके पास टेन सिस्टम है और उन टेन सिस्टम्स में बताओ कि कितने ऑक्टाहाइड्रल वर्ड आपको वहां पे देखने को मिलेंगे सो so, आप वहां पर डायरेक्ट लिखेंगे कि ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स जो है वो जितने गिवन नंबर दिया गया होगा उतना ही रहेगा तो दैट मीन्स की अगर आपके पास मैंने टेन सिस्टम दिए हैं तो वहां पे जो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड होगी

एंड द नेक्स्ट थिंग इज what there इज अ डिफरेंस बिटवीन द tetrahedral एंड the सो जस्ट so just remember टेट्रा tetrahedral में क्या होगा tetrahedral क्रिस्टल सिस्टम रहेगा octahedral में obviously octahedral क्रिस्टल सिस्टम रहेगा tetrahedral में क्या होता है चार एटम्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको ऑक्टाहाइड्रल में सिक्स एटम्स देखने को मिलेंगे <laughs> इसके बाद टेट्राहेड्रल जो है वो एजेस ऑफ द यूनिट लेंथ में ऑब्जर्व होती है और जो आपके पास ऑक्टाहेड्रल है वो कहाँ पे रहती है सेंटर ऑफ द यूनिट सेल में आपको देखने को मिलती है ठीक है इसी के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल का फोर रहता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी बात करूँ ऑक्टाहेड्रल की तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केस में कितना रहेगा सिक्स रहेगा इसके साथ ही जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वहाँ पे बिगर वॉल्यूम रहता है और वहाँ पे जो है वो आपको स्मॉल वॉल्यूम देखने को मिलता है ठीक है अब देखो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सब चीजें यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में है अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का ये वाला जो पार्ट है वो थेरेटिकल भी रहता है तो स्टेटमेंट्स जो हैं उनको भूलना नहीं है उनको थोड़ा ध्यान से आप एक बार देख लेना इसी के साथ है कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो ये आपके पास क्या होता है जिसे आप पड़ोसी कहते हैं ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके मैंने बोला कि मुझे इस वाले एटम का दिस इज योर फर्स्ट दिस इज योर सेकंड दिस इज योर थर्ड एटम और मैंने कहा कि मुझे सेकंड वाले एटम का कॉर्डिनेशन नंबर बताओ तो कॉर्डिनेशन नंबर होता है कि जो भी उसकी एजिस को साइड से जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टच करेंगे दैट इज नॉन एज योर कॉर्डिनेशन नंबर ठीक है जैसे आपका घर है आपके घर के साइड में कोई एक घर है या दूसरी साइड भी कोई घर है तो दैट मीन्स की आपके

इसी तरीके से अगर मैं बात करूं देखो आपके पास ये सेंटर एटम है और इसके अराउंड जो हैं वो आपके पास सिक्स यहाँ, uh, तो यहाँ पे क्या है? एक ये टच कर रहा है देन सेकेंड देन थर्ड फोर्थ यहाँ पे आपका कोर्डिनेशन नंबर आएगा कितना दैट इज द फोर क्लियर और इसी तरीके से आप यहाँ पे के केस में भी चेक कर सकते हैं ठीक चलो नेक्स्ट देखते हैं हाँ जी क्वेश्चंस भी हैं आगे आप इनको नोट डाउन कर लेना यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सीसीपी तो रहता, रहता है और आपके पास जो पैकिंग सिस्टम है वहा पे कॉर्डिनेशन नंबर रहता है ट्वेल्व क्यूबिक में आपके पास रहेगा एट ऑक्टा में सिक्स टेट्रा में फोर ट्राइंगुलर में थ्री और लीनियर में कितना रहता है टू आपको देखने को मिलता है क्लियर इसी के साथ है नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमें परसेंटेज को फाइंड आउट करना है कि मतलब आपके पास कोई सिस्टम है उसमें आठ कॉर्नर्स पे एटम्स और यूनिट्स लगे हुए हैं एक आपका बीसीसी है तो सेंटर में रहेगा एफ है तो साइड्स में रहेगा फेसिस पे तो उन एटम्स की एक सिस्टम में कितने परसेंट पैकिंग एफिशियंसी है दैट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला दैट इज पैकिंग एफिशियंसी यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई फोर स्वेयर डायरेक्ट तो यहाँ पे, पे चीजें याद रखनी है दैट फॉर द एच सी पी इट इज वॉट दैट इज सेवेंटी फोर परसेंट क्योंकि कोई भी वहां पर डेरिवेशन नहीं पूछने वाला डायरेक्ट आता है वहां पर बीसी में आपका आएगा सिक्सटी एट परसेंट ठीक है और इसी के साथ सिंपल क्यूबिक में आपके पास आएगा 52.3 परसेंट तो यहाँ पे टेबल फॉर्म में आपके पास सारी की सारी चीजें जो हैं वो लगा दी गई हैं इसी तरीके से जब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बीसीसी में कितना परसेंट एम स्पेस आपको देखने को मिलता है तो एम स्पेस कैसे फाइंड आउट करोगे 100 माइनस कर दो जितने परसेंट की आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी है देन यू विल गेट व्हाट दैट इज आपके पास जो है वो एम्प्टी स्पेस वहां पे देखने को मिल जाएगा ठीक है इसी के साथ नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है ठीक है दैट इज वॉट इट इज योर रेडियस रेशो रेडियस रेशियो की बात करूं तो ये आपके पास क्या होता है दैट इज रेशियो ऑफ द द द टू ऑफ तो कभी कभी क्या होता है आपके पास जो है वो रेडियस रेशो की वैल्यू जो है वो आपको निकालने के लिए बोला गया होता है और ये वैल्यूज जो है वो आपको दी गई हैं या कभी कभी आपके पास रेडियस रेशो की वैल्यू दी गई होती है एनाइन की दी गई होती है तो आपको जो है वो कटाइन की फाइंड आउट करनी होती है तो इस तरीके से आप रेडियस रेशियो रूल जो है वो अप्लाई करते हैं और रिमेंबर कि जितना ज्यादा रेडियस रेशियो रहेगा उतना ज्यादा कटाइन का साइज आपके पास रहेगा एंड हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको वहां पे देखने का मिलेगा ठीक है इस तरीके से अपना Uh, ये चीज़ देख लेना और इसको मैं अगर नॉर्मल वे में लिखूँ सो आई कैन से कि रेडियस रेशियो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट दैट इज़ साइज़ ऑफ केटाइन आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको क्या होगा ज़्यादा देखने को मिलेगा सिर्फ ये चीज जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है नाउ अगेन आई से दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो टेबल्स हैं वही इंपॉर्टेंट है सो आई कैन से दैट कि जब आपका रेडियस रेशियो लेस देन 0.155 तक है तो आई कैन से कि वहां पे कोर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा टू और इस टाइप की वर्ड को क्या कहा जाता है लीनियर वर्ड कहा जाता है अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है डायरेक्ट उन्होंने बोला होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर एट के लिए फाइंड आउट करके बताओ कि कितनी रेडियस रेशो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी या फिर उन्होंने बोला होगा कि आपके पास सीसीपी और एच है उसके लिए कॉर्डिनेशन नंबर बताओ और उसके लिए रेडियस रेशो बताओ तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैं यूं कहूंगी कि ये सारा का सारा टेबल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो अराइज डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे डन

यहाँ पे जो है इस लैंग्वेज को भूल जाओ सिर्फ इतना समझो कि आपके पास जो इम परफेक्शन है की उसका मतलब क्या है कि आपके पास एक सिस्टम है ठीक है वो प्रॉपर वहाँ पे एजिस पे कॉर्नर्स पे चीजें लगी हुई हैं एक वहां पे अराइज हो रहा है दैट इज नॉन एज द स्टोश्योमेट्रिक डिफेक्ट और इसी तरीके से जब आपके पास नॉन स्टोश्योमेट्री आ जाते हैं तो दैट मीनस कि वहां पर क्या है नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस की रेशियो जो है वो आपके पास डिफरेंट हो जाती है सो दैट इज वाई दैट नॉन एज द नॉन नॉन स्टोश्योमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है वो उन्हें कहा जाता है अगर मैं इम्परफेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट रहा था दट इज वॉट फ्रेंकल uh, uh, जिसे आप कहते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आप यहाँ पे समझ लो कि जैसे आपके पास क्या था पॉइंट डिफेक्ट था पॉइंट डिफेक्ट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं आपके पास एक इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जो है वो अलग से रहता है बाकी आपके पास होते हैं स्टॉशोमेट्रिक और नॉन स्टॉश्योमेट्रिक स्टॉश्योमेट्रिक का मतलब क्या है कि जहाँ पे केटाइंस और एनाइंस की रेशियो जो है वो आपको सेम टाइप की देखने को मिलती है और वहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी ठीक है और इसी के साथ स्टोशियोमेट्रिक में विकेंसी और इंटरस्टीशियल जिसे आप जो है या तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा क्लियर इसी के साथ नेक्स्ट है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स जैसे कि मैंने पहले कहा वही सब चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी चलो नेक्स्ट चलते हैं नाउ दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ दिस इज योर वर्ड इसे जो है वो स्कॉट की डिफेक्ट जो है वो कहा जाता है स्कॉट की डिफेक्ट आपके पास कैसा रहता है दैट इज स्टोशियोमेट्रिक इन नेचर देखने को मिलेगा स्टोशियोमेट्रिक का मतलब क्या है कि सेम चीजें यहाँ पे रहेंगी कोई भी डिसऑर्डर यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव द प्रॉपर क्रिस्टल लेटेस्ट जहाँ पे केटाइंस हैं और एनाइंस प्रेजेंट हैं जब यहाँ से एक आपके पास केटाइन मिक्स मिस आ, मिस हो जाएगा और जब आपके पास एक एनाइन मिस हो जाएगा मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ किटाइंस और एनाइंस जब अपनी जगह से मिस हो जाएंगे तो वहाँ पे उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं स्कॉट की डिफेक्ट क्योंकि जैसे ही किटाइंस और एनाइंस जो हैं वो अपनी जगह से शिफ्ट हुए वहाँ पे आपके पास एम टी जो हैं वो एराइज हो जाएंगे दैट इज नॉन एज द वैकेंसी इसीलिए स्कॉट की डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है

क्रिस्टल में ही किसी एक ऐसी जगह को ऑक्यूपाई करेगा जिसे हम क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट इसे कहा जाता है और यहाँ पे ये शो किया जाएगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है या फिर जहाँ पे अनाइंस का साइज जो है वो ज्यादा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिल्वर के द्वारा जो है वो आपको शो होता हुआ देखने को मिलता है डन इसी के साथ आई कैन से कि जो आपके पास फ्रेंकल डिफेक्ट था वो मोस्टली सिल्वर हेलाइट में देखने को मिलता है क्यों क्योंकि वहाँ पे सिल्वर हेलाइड्स अब देखो सिल्वर का साइज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा बाकियों का साइज क्या होगा बड़ा हो जाएगा सो so, इस तरीके से वहाँ पे अल्टरनेटिवनेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी और इसी के साथ मैं आपको कहूँगी कि जो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड रहता है वो जो है आपके पास स्कॉटकी और फ्रेंकल दोनों तरीके के डिफेक्ट्स को जो है वो शो कर शो करता है

ट्रेलिटी आपकी मेंटेन रहती है क्यों क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कटाइन और मिस हैं और यहाँ पे भी आपके पास जो एटम का मास है वो अनचेंज ही रहेगा क्योंकि अगर एक ने अपनी जगह छोड़ी भी है तो उसने सेम जगह जो है वो क्रिस्टल के अंदर ही ऑक्यूपाई की है दैट इज नॉन एज द इंटस्टिशियल साइट्स ठीक है तो ये सो, जो डिफेक्ट्स हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो आप एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे और साथ में एग्जाम्पल जैसे कि सीजियम क्लोराइड के बी आर वॉट दैट इज योर स्कॉट की डिफेक्ट और इसी तरीके से सिल्वर के जितने भी हेलाइट हैं जिंक के जितने भी कंपाउंड हैं वो आपके पास क्या शो करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट को शो करेंगे सब होगा यू कैन वेट क्योंकि इस चैप्टर में टॉपिक्स जो हैं वो ज्यादा हैं तो एक बार वन शॉट देना जो है वो जरूरी रहेगा क्लियर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं है नॉन तो जैसे मैंने पहले ही कहा इेगुलर रेशियो रहेगी मेटल एक्सेस में प्रेजेंट रहेगा या फिर डेफिशिएंट में तो जिसमें सबसे पहले आपके पास क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो ये दो तरीके से रहता है दैट इज वन इज योर एनाइन वैकेंसी एंड नेक्स्ट वन जो है वो एक्स्ट्रा किटाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं अब जैसे यस yes, नोट्स जो हैं वो इनफ हैं उसमें हर एक चीज दी गई है इवन उसमें जो है वो शायद आपको एक्स्ट्रा ही देखने को मिलेगा अगर मिला भी तो नेक्स्ट है एनाइन वैकेंसी की बात करूँ तो जब भी आपका एक नेगेटिव आइन अपनी जगह को छोड़ के जाएगा तो वहाँ पे क्या होंगे होल्स क्रिएट होंगे एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉन एज द एनाइन वैकेंसी और वहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वहीं पर एनट्रैप्ड रहेंगे टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा कि एनाइन वैकेंसी में एक तो एनाइन मिस है और क्या वहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है सो so येस yes, वहाँ पे वो चीजें न्यूट्रल रहती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वहीं के वहीं आपके ट्रैप रहते हैं इसी के साथ नेक्स्ट है एफ सेंटर वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपने लैब्स में कई बार देखा होगा कि जैसे मैं अगर मैं बात करूँ सोडियम की तो जब आप इसे जलाते हो तो आपके पास क्या होता है येलो कलर की लाइट फॉर्म होती है इसी तरीके से लिथियम को जलाओगे पिंक कलर जो है वो वहां पे फॉर्म होता है

फर्दर आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी तो दैट इज नॉन एज द एफ सेंटर और एफ का मतलब ही यहाँ पे होता है फैब्रिक कॉन्स्टेंट जिसका मतलब मतलब है कलर इम्पार्ट करना ठीक है सो यू कैन से दैट कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके नाइन वेकेंसीज में ट्रैप uh, हो जाते हैं किसी भी सिस्टम में जैसे कि आपने पीछे देखा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो वहां पे कलर अराइज होता है जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर डन इसी के साथ है, जब आपके पास बहुत सारे एक्सेस जो हैं हैं वो रहते तो तो देखो अगर आपके पास किसी भी भी में कि की संख्या ज़्यादा होगी है तो मतलब क्या होगा? पे करेगा लेकिन फिर भी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वहां पर आपके पास क्या प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं एंड दैट इज वाई दे आर नॉन एज एक्साइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स उन्हें कहा जाता है क्लियर इसी के साथ आपके पास इसका एग्जाम्पल एक्जाम्प, है जिंक ऑक्साइड क्योंकि क्वेश्चन आपके पास यहीं से होगा कोई मर्जी बुक उठा लो जो चीजें स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ही रहेंगी ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा जिंक ऑक्साइड हीट किया जेड टू पॉजिटिव और हाफ ऑक्सीजन और टू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो एक्सेस में प्रेजेंट है वो इसलिए इसका एग्जाम्पल है इसी के साथ है इंप्योरिटी डिफेक्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी नॉर्मल सिस्टम है और बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आके वहाँ पे सिचुएट कर रहे हैं दैट इज़ नॉन एज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसे कि अगर आपके पास एक एन ए पॉजिटिव अगर अपनी जगह से गायब होता है तो वहाँ पे उस चीज़ को न्यूट्रल करने के लिए आपके पास दो और स्ट्रॉन्शियम आइन्स की ज़रूरत पड़ती है सो दिस इज नॉन एज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट और इसी के साथ नेक्स्ट है द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड जिसमें आपको मोस्टली जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रहता है अच्छा देखो आप लोगों ने डाया भी पढ़ा है और पैरा भी पढ़ा है और फेरो भी पढ़ा है तीनों का यूज जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए किया जाता है तो डिफरेंस क्या है फिर तीनों में क्यों हमें डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक की जरूरत पड़ी जबकि डाया और पैरा से भी तो हम मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बता ही रहे थे बताओ मुझे जल्दी से कि क्यों जरूरत पड़ी थी अच्छा अब क्वेश्चन ये है देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करूं तो सिंपल हम पढ़ते हैं कि जहां पे भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वहां पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है और इस वजह से यहां पे कलर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं ये आपके पास जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड तो अच्छी खासी अट्रैक्शन जो है वो आपको देखने को मिलती है

जरूरत पड़ी थी। इसके बाद एंटी की बात करूं तो यहां पे मोमेंट जो है, वो प्रॉपर जीरो के बराबर आपको देखने में आपको क्या होता है, एक लेस की होते हुए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे अन इक्वल नंबर में ऑपोजिट स्पेन्स और पैरेलल स्पेन्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन अब करते हैं कुछ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास this, uh, चलो जिन बच्चों को क्वेश्चंस करने थे फटाफट से क्वेश्चन करो द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस विच ऑफ ट्रू अबाउट देम ठीक है चलो जल्दी से बताना अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है थ्री स्टेटेसर मोशन नेक्स्ट है लिक्विड फेस और नेक्स्ट है सॉलिड्स एंड वेपर प्रेशर एज कॉमन प्रॉपर्टी अब जिन भी बच्चों ने इतनी देर से लगा रखा था कि क्वेश्चन करवाओ क्वेश्चन चलो जल्दी से बताओ कि क्या आंसर रहेगा यू हैव टू फाइंड आउट ट्रू स्टेटमेंट हेयर तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहां पे सही है एनी वन ऑप्शन ओके सो यस हियर द राइट आंसर इज व्हाट ऑप्शन ए जो है वो आपके पास क्या रहेगा सही आंसर रहेगा क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ऑफ अ सब्सटेंस इन मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशन इज नॉन एज और एनी कंपाउंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसे क्या कहा जाता है सो so, थे पोलिमोरफिज्म आइसोम एलोट्रॉपी या फिर इनशियोम एनी वन ओके सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज पॉलीमोरफिज्म है वो इसे कहा जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएंगे बाद में पीडीएफ में तो आप वहां से भी इनको चेक कर लेना सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेम टाइमिंग रहेगी वन ओ क्लॉक सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडे थैंक यू सो मच